अब हमने इसे बिल्कुल इस तरह सेंटर से पकड़कर इस तरह हमने या इस्त्री से आप जमा लें या इस तरह कर लें, इस तरह रख लें। और ये गला जो मैंने कटिंग किया हुआ है इसको ये ऊपर रखें इसके, और इसको ज़रा सा बढ़ा लें और ये यहाँ पर ऊपर रखें बिल्कुल सेंटर में। आप कॉमन पिने होती हैं वो लगा कर बेशक से कटिंग करें ताकि आसानी हो जाए, हिले ना कोई भी चीज़। हमें प्रैक्टिस है इसलिए ये इससे ज़रा सा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई का हमें रखना है कपड़ा। ये हमारा गला कटिंग हो गया है, शर्ट का गला कटिंग हो गया है हमारा, नहीं सॉरी। और इसे दो पीस में हम ये इसको काट लेंगे और सेंटर से हम इसकी भी कटिंग करेंगे क्योंकि हमें लूप्स बना लगाने हैं इसमें। ये हमारा बिल्कुल सेंटर है शर्ट का और ये पट्टी ली है हमने इसके मुताबिक। आपको जितना यहाँ से लंबाई जितनी बड़ी रखनी है छोटी रखनी है वो आप रख सकते हैं। हम लूप बनाना भी सिखाएंगे आज आपको। और ये हमारी तकरीबन यहाँ तक सिलाई है तो हमें इससे तकरीबन इतना और बड़ा लेना है कपड़ा, तकरीबन इतना। और सेंटर से हम इसको भी कटिंग कर लेंगे जितनी ये कटिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको सेंटर से हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये बीच में से कटिंग कर ली है, इतना छोड़ दिया है और ये हमने लगानी है, ये सिलाई लगानी है यहाँ से इस तरह और ये बिल्कुल इधर तक। और लूप्स अंदर लगेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने सीधी कर ली है, इसके लूप्स बनेंगे तकरीबन हमें ये डोरी सीधी की कर, मैंने सी ली है ये डोरी और रेप की पट्टी लेकर उसको सिर्फ इतना सा बिल्कुल मामूली से एक पाँव का कटिंग करना है। ये मैंने डोरी सी ली है पूरी ये इस तरह और सुई से सीधी कर ली है। ये तकरीबन 2 इंचेस हमें, ये 2 इंचेस तकरीबन हमें कटिंग करनी है इनकी। जितने भी लूप्स हमें लगाने हैं ये नाप नाप कर इस तरह हमें कटिंग करनी है। ये हमने गले की 2 पीस कर लिए हैं और ये इस तरह करके एक सिलाई यहाँ से पूरे में होगी गोल और फिर इसके ऊपर रखकर जब हम पूरा गला तैयार कर लेंगे ये लगाकर लूप्स वगैरह लगाकर, तो ये यहाँ से सिलाई बुकरम पर नहीं लगानी, बुकरम के बिल्कुल किनारे पर लगानी है। ये दोनों गले हमें इस तरह लगा लेने हैं। अच्छा ये डोरी जो बनाई है हमने ये सीधी, अगर यहाँ से सीधा होगा तो वो नहीं सीधा कर सकते हम सीधा नहीं कर सकते, हमेशा ये नोक इस तरह कटिंग करनी है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी थोड़ा हम कटिंग कर लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा ये ओरेप की पट्टी जो हम कटिंग करते हैं उससे बनती है, सीधी पट्टी अगर आप बनाएंगे तो नहीं बनेगी, सीधी नहीं होगी। और अगर ओरेप आपने सही नहीं कटिंग किया कपड़ा, पाइपिंग अगर सही नहीं कटिंग हुई मतलब ओरेप सही नहीं है, तब भी नहीं होगी सीधी। और जितना बारीक हमें चाहिए एक बिल्कुल डोरी नुमा शेप में हमें चाहिए लूप बनाने के लिए, वो इसी तरह बनेगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि आसानी से इंशाल्लाह 2-3 बार भी प्रैक्टिस करेंगे या पहली दफ़ा में इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। और ये चीज़ हमने धागे में ये गिठान नहीं लगानी जो हम नीचे लगाते हैं, ये बिल्कुल नहीं लगानी, हमें इसी से मजबूत करना है। ये चीज़ हमें इस तरह रखनी है ये इस तरह, और इस तरह पकड़ कर ये चीज़ हमें इस तरह रखनी है, फिर इसको मजबूत करना है नीचे से सिरे को। अब हमने इसको बिल्कुल पक्का कर लिया है, ये देखिए गिठान नहीं लगानी और इस तरह कर करके नोक अंदर चली गई है और हमने ये उल्टा कर कर ये अंदर की तरफ डालना है। ये अंदर डाला और इस तरह कर कर इस तरह किया, जहाँ तक हमें हमने सिया है वहाँ तक निकालना है इसको।
ये हमने यहाँ से निकाल लिया सिरे से, और इसको हम किसी चीज से बांध देंगे या पकड़ लेंगे, और इस तरह करते हुए हम नीचे की तरफ लाएंगे इसको। और ये वाली चीज हमने किस तरह लेनी है, ये चीज अंदर चली जाएगी, हमें ये करना है ये इस तरह करकर, ये वाली चीज हमें ये अंदर की तरफ, वो किसी चीज से बांधना पड़ेगा। देखे नाज़रीन, ये हम किस तरह ये ऊपर की तरफ हमें ये खुद ब खुद होती चली जाएगी, ये वाली चीज, ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह। अगर यहाँ से थोड़ा सा हमें महसूस हो कि ये अटक रहा है तो हमें ऊपर करके फिर ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें डोरी निकल रही है। और हम ये इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, ये देखें। आपको प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह दो तीन बनाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये हमारी डोरी तैयार हो गई है, ये लूप्स हमारे हो गए, और ये हम किस तरह लगाएंगे वो भी बताते हैं हम आपको अभी। ये देखें, ये हमने कटिंग कर ली है। अच्छा ये देख लें, हम ये लूप्स हमने कटिंग कर लिए हैं, हम तकरीबन इस तरह ये मिलाया हमने, इस तरह रखा, और पहले हम एक लाइन इस तरह करीब करीब मिलाकर इधर रखा, फिर इसके बराबर में इस तरह रखा, इस तरह पूरे नीचे तक यहाँ तक लगा लेंगे, ये बिल्कुल एंड तक हम यहाँ तक लगा लेंगे, ये लूप यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक लगा लेंगे, और फिर इसके ऊपर हमने जो पट्टी कटिंग की थी ये हम इस तरह लगा लेंगे, और ये लूप हमारे इस तरह हो जाएंगे। सीने के बाद हम आपको दिखाते हैं, ये हम लास्ट लूप लगा रहे हैं, ये देखिए, और ये बिल्कुल किनारे पर लगेगा, ये नीचे जो हमारी नोक बनेगी हमने जो कटिंग की थी ये यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से बिल्कुल बराबर करके इस तरह, यहाँ पर हम सिलाई बाद में लगाएंगे।
तरह होगी। तो ये मैंने ज़रा सा चकोर किया है, यहाँ से मैंने इस तरह बिल्कुल किनारे पर ये टूप लगाना है ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। अगर हम ये टूप नहीं लगाएंगे तो ये सही तरह नहीं मुड़ेगा। अब हम इस पर ये पट्टी है इस तरफ और इस तरफ करके ये सिलाई लगाएंगे यहाँ। ये देखें हमारा गला बन गया है, ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चकोर ये सिलाई की है, चकोर बना लिया है, वहाँ पर हम ये पट्टी लगाएंगे। हमें दो तीन तरह से ये काम आता है, नोक वाला भी बनता है, चकोर वाला भी बनता है। अब हम यहाँ से ये पट्टी इस जगह पर रखेंगे और एक सिलाई इस तरह से ये बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर ये पट्टी रखी हमने और इस जगह पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे ये पट्टी जोड़ी और यहाँ से रखिए। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे और यहाँ से ऊपर से भी हम इस तरह अंदर की तरफ दे देंगे इस तरह। इस कपड़े को हमेशा इस तरह रखेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह नहीं खींचेंगे, इस तरह बिल्कुल किनारे पर जो है हम सिलाई लगा रहे हैं। अगर हमारा कपड़ा अनबैलेंस हुआ तो यहाँ पर हमें जो सुने आ जाती है वो आ जाएगी। और खास ख्याल रखिएगा इस बात का कि हाथ को हाथ की ग्रिप सही होनी चाहिए, कपड़े की पकड़ हमें सही होनी चाहिए, वरना अनबैलेंस होकर कपड़ा खराब हो जाएगा और फिर हमें बार बार उधड़ने में मुश्किल होगी। ये जो चकोर है यहाँ पर हमने इस तरह केस तरह किया और सिलाई लगाई।
बटन लगेंगे और ये हमने मोड़ा नहीं, इस तुपाई नहीं की थी, हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। चाहो तो तुपाई भी कर सकते हैं आप। तुरपाई अगर सीखने वाले हैं तो वो तुरपाई करें, अगर सिलाई करने करनी आपको आती है, आपके हाथ में नीट है तो आप सिलाई करें। हमारा गला तैयार हो चुका है, ये देखिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा और इसमें क्या कमी है, और दूसरा हम दूसरी तरह से भी ये लगाना सिखाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये आस्तीन बनाना सिखा रहे हैं। हमने ये दोनों साइड पर हमने ये आस्तीन बनाना सिखा रहे हैं। आस्तीनों को ये देखें, बैक साइड पर हम लूप लगाएंगे और ये बुकरम हमने चिपका ली है। तकरीबन एक इंच की बुकरम है या डेढ़ इंच की आप ले लें, और तकरीबन ये 8 इंच या 5 इंच जितना आप लूप लगाना चाहें इतने आप लगा लें। और ये देखें एक ही साइड पर हम उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड पर दोनों इस तरह लगा लिया है हमने कि गड़बड़ ना हो कभी आगे पर पीछे हो। ये याद रखिएगा कि एक साइड पर इस तरह चिपकाने हैं। और ये पट्टी ली है मैंने और इसको मैंने बीच में से काट लिया डबल, और ये इस तरह, और हम इसको भी ये काट लेंगे। फिर हम पहले इसको मोड़ लेंगे। ये देखिए हमने ये मोड़ लिया है और ये हम शुरू करेंगे। जो चौड़ी साइड होगी उस साइड पर हम ये लगाएंगे बिल्कुल किनारे से इस तरह। दूसरी आस्तीन हम इस तरह रख लेंगे ताकि बैलेंस रहे, आपको याद रहे कि हमें किस तरफ लगाने हैं लूप। इस तरह इसमें लगाए हैं, इसी तरह हम इतने फासले पर, मैंने यहाँ नहीं लगाया,
आप जिस तरह चाहे लगा सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमने इस तरह लगा लिया है और ये बिल्कुल हमने दूसरी पट्टी लेकर हमने इस पर लगानी है, बिल्कुल किनारे पर रखनी है ये वाली चीज़, किनारे से ज़रा सी ऊपर और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा इतना काटने के बाद मोड़ देंगे। हम ये पहले भी मोड़ सकते हैं सिलाई लगाते वक्त, यहाँ से इस तरह ये कपड़ा इस तरह, और ये वाली चीज़ हमने बिल्कुल यहाँ तक लिए, ये यहाँ तक सिलाई करेंगे, हम नोक बनाएंगे इसकी। ये जहाँ हमारा ये लूप है बिल्कुल यहाँ पर बहुत ख्याल से बिल्कुल नोक देखें, हम बिल्कुल इधर बनाएंगे। ये देखें ये सिलाई यहाँ तक आई है, नोक बनाई है हमने, ये देखें इसकी, और यहाँ से हम बिल्कुल यहाँ से ये हम टुक लगा लेंगे। फिर हमने फिर यहाँ पर एक सिलाई लगानी है इस जगह पर, ये देखें ये कपड़ा हमने अंदर जो मोड़ा था वो हमें इस तरह करना पड़ेगा। ये दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है, एक में चकोर बनाया है और एक में ये नोक वाली, हमें यहाँ से ये नोक बन गई है, ये हम अभी जमा कर, ये देखें इस तरह, ये देखें व्यूअर्स, हमने ये लगा लिए लोग और बना लिए पट्टी वगैरह, ये इस तरह बटन लगेंगे और ये नोक देखें। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये बना लिए, पट्टी भी लगा ली है और ये चीज़ हमने इस तरह, ये देखें नोक हमारी बन गई है, यहाँ हम बटन लगाएंगे वो दिखाएंगे आपको, और ये पट्टी जो है पीछे की जो हमने अभी तक फोल्ड नहीं की है उसे आप चाहें तो तुरपाई इस तरह करके तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से आप लगा सकते हैं। हमने ये बैक साइड का गला कटिंग कर लिया है शर्ट का, और वो आप याद रखिएगा, ये जो हमने फ्रंट का जो गला बनाया है उसके हिसाब से ये वाली चीज़ लेनी है आपने, और ये बराबर कटिंग करनी है, बराबर से मुराद है ज़रा सी ये, और ये यहाँ से इतनी सिलाई की छोड़ देनी है। और हम ओरेप की पट्टी भी लगा सकते हैं, ओरेप काटने का अगर आपके पास कम कपड़ा है या थोड़ा कपड़ा है तो हम ये इस तरह रखेंगे और ये ओरेप की पट्टी हम काट लेंगे, चाहें तो एक एक करके भी काट लें, चाहें तो डबल ही काट लें। ये हम लेस इस तरह लगाएंगे अब राउंड शेप में, गोल कली की शेप में, ये हमने अभी लगाई नहीं है, सिर्फ लगकर ढककर दिखाई है, ये हम निशान लगाएंगे या ग्लू गन से चिपका कर फिर सुई से हम कर लेंगे इस तरह। ये लेस मुड़ने वाली है, इस तरीके जो शेप देना चाहें दे लेंगे,
आप देखें इसको हम इस तरह लगाकर फिर आपको तैयार करके दिखाएंगे। ये देखें, ये है।